लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक दिल्ली के तुगलक लेन पर बंगला नंबर 12 को खाली करना होगा। इस पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को बंगला तो हर हाल में खाली करना होगा। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्सपेयर का मकान हड़प लेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, क्या उस समय उनकी अंतरात्मा छुट्टी पर चली गई थी? ओछे लोगों की ओछी राजनीति। इन सबके बीच राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के लिए लोकसभा समिति को पत्र लिखा है और कहा है कि वो जल्द से जल्द बंगले को खाली कर देंगे।